हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही टाइम के बाद हेयर के बारे में मैं वीडियो लेके आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि ऑयल जो है हमारे हेयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और ऑयल ऐसी चीज़ है कि हमें हफ्ते में एक बार क्यों ना हो, मगर वो सर पर लगाना जो है हमारे बालों के पोषण के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ऑयल लगाना, आपको तो पता ही है कि ऑयल लगाने से हमारे बाल जो है वो चिपचिपे ज़रूर हो जाते हैं, बट ऑयल से ही हमारे बालों को पोषण मिलता है, बाल ग्रोथ होते हैं हमारे, और वो जो है एक तरीके से बढ़ने में मदद करता है ऑयल। ठीक है, अभी के जनरेशन में या अभी के दौर में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब भी हम कॉलेज स्टार्ट कर देते हैं तो स्टाइलिंग करना, हेयर कट करना, या फिर हम तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग करना, या फिर जैसे कि हम ड्रायर इस्तेमाल करते हैं या फिर स्ट्रेटनिंग इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है बाल ख़राब होते हैं, ग्रोथ जो है ग्रोथ रुक जाती है। बचपन में आपने देखा होगा ना कि आपकी जो मम्मी है, मेरी भी मम्मी जो है, स्कूल जाते समय हमें क्या करती थी, ऑयल लगाती थी बालों को, है ना। बालों को ऑयल क्यों लगाती थी, कि वो अच्छे से हमारे बाल जो है सेट हो सके और हमारे बाल जो है वो बढ़ सके, जिससे जो चोटियाँ है वो चोटियाँ अच्छे से आ सके और जो है अच्छे से उसे बांधा जा सके, इसलिए ऑयल का इस्तेमाल करते थे हम। एक बात नोटिस की है आपने कभी, कि हम जब भी ऑयल लगाते थे, या हमारी मम्मी जो है हमेशा इस चीज़ के लिए बोलती है, अभी भी बोलती होगी आपको, कि सिर पर ऑयल ज़रूर लगाइए। क्यों बोलती है, क्योंकि बालों को सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है ना, ऑयल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे आप उसे वॉश करो, चाहे आप कोई भी तरह का शैम्पू इस्तेमाल करो, कितना भी महंगा कंडीशनर है उसको इस्तेमाल करो, बट सबसे ज़्यादा जो बालों को पोषण करता है या उसको ग्रोथ में बढ़ाने में मदद करता है वो ऑयल है। दूसरी बात कि अभी के दौर में हम देखते हैं कि लड़कियों के जो बाल हैं वो, उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ नहीं रही है, वो बढ़ती नहीं है। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि हम जो है स्टाइलिंग के मामले में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हमें जो है ऑयल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऑयल लगाने से हमारा जो जो बाल होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं, और चिपचिपे बाल के ज़रिए हम जो है बाहर नहीं जा सकते। मगर ऑयल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि अनियन ऑयल है, या कई तरह के जो ऑयल है मार्केट में, या बहुत सारे वीडियो जो हैं वो बन रहे हैं अलग अलग ऑयल के बारे में, प्रोडक्ट निकल रहे हैं कि ये वाला ऑयल आप यूज़ कीजिए जिससे जो है आपके बाल बड़े होंगे, घने होंगे। बट आपने कभी नोटिस किया है, सबसे पहले अगर हम ऑयल यूज़ करते थे बचपन से लेके अभी तक, वो थे सबसे फेमस था कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। ठीक है, बहुत ही प्योर है ये इंग्रेडिएंट, कि नारियल का तेल जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, सिल्की स्मूथ देता है। तो बचपन से लेके अभी तक जिसने भी बहुत, यानी कि 100 में से मैं 80% ये बोल सकती हूँ कि आप अपने स्कूलिंग टाइम में, या फिर अभी भी कई लोग या कोई महिलाएँ लड़कियाँ हैं जो कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हैं, कोई कोई आलमंड ऑयल भी यूज़ करते हैं बालों के लिए, बट जो पहले से अगर यूज़ होता है वो होता है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। साथ ही साथ नारियल के तेल में आप देखोगे वैरायटी भी आना जो है वो शुरू हो गई है अलग अलग तेल से, जैसे कि पहले कोकोनट ऑयल था, नारियल का तेल था जो ब्लू वाले बॉटल में मिलता था, जो अभी भी वो हमें मार्केट में मिल जाता है, 10 रुपये की भी बॉटल जो होती है तेल की वो हमें मिलती है। मैं जो बात कर रही हूँ वो ऑयलिंग की इसलिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन से लेके अभी तक मैंने मेरे बालों को हेयर स्टाइलिंग काफ़ी की है। आप देख रहे होंगे काफ़ी हेयर स्टाइलिंग की है, काफ़ी चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया है, जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग हम इस्तेमाल करते हैं या फिर हम ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने जो चीज़ों को नोटिस करना जब स्टार्ट किया, जैसे कि बहुत सारे हमारे जो बाल हैं बनाते समय क्या होते हैं, बहुत ही निकल आते हैं, हमारी ग्रोथ जो है एक समय तक वो रुक जाती है। क्यों, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और ऑयल लगाना भूल जाते हैं।
तो ऑयल हमें लगाना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बोलूँ तो मेरे जो बाल अगर आप देख रहे हो इतने बड़े हैं, स्मूथ है, शाइनी है, साथ ही साथ आप देखो एकदम स्ट्रेट है। ना मैंने हेयर ड्रायर यूज़ किया है, ना मैंने स्ट्रेटनिंग यूज़ की है। आपको फ़र्क समझ में आ जाता है कि अगर कोई हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा है, स्ट्रेटनिंग यूज़ कर रहा है, तो आप फटाक से उन पकड़ लेते हो उस चीज़ को। मगर आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पे नेचुरल बाल दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ आप देख रहे हो कितने स्मूथ है, जो कि बिल्कुल भी जो है बाल जो है वो निकल नहीं रहे हैं अच्छे से, मतलब जो है बाल बहुत ही सिल्की और स्मूद है। तो मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ तो मैं पहले तो कोकोनट ऑयल की जो ब्लू वाली बॉटल होती है वो मैं यूज़ करती थी स्कूल टाइम में, क्योंकि स्कूल टाइम में जो मम्मियाँ होती है वही हमारी चोटी बनाती है, तो हमें बहुत सारी तेल लगा के चंपी करती है, चोटियाँ बनाती है, हम स्कूल जाते हैं और ज़रूरी नहीं रहता कि हम अपने बालों को बार बार धोते थे उस समय में। हफ्ते में एक बार बाल धो लिए बस, जिससे क्या होता है बार बार बाल धोने से भी हमारे जो बाल हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, वो हेयर फॉल जो है हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप बाल धोते होंगे आपके जो बालों के जो हेयर है वो हेयर फॉल होना जो है वो स्टार्ट होता है, निकलने लगते हैं। तो बाल कब धोना है आपको, जब उसे ज़रूरत है। मतलब अगर आपके बाल बहुत ही चिपचिपे हो गए हैं, आपके बालों में गंदी सी स्मेल आ रही है, या फिर आपके बाल मिट्टी के हो गए या गंदे हो गए, तभी आप धो। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली उसे धो, या ज़रूरी नहीं है कि आपको बस हफ्ते में 2-3 बार धोना ही नहीं। जितने ज़्यादा धोगे इतने ज़्यादा जो है आपके हेयर फॉल होगे, क्योंकि हमारे बाल जो है वो पानी में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। जब पानी में रहते हैं, भीगते हैं, तो हमारे बाल जो है वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा अपने बालों को भिगाना नहीं है। तो अगर आपको जब भी लगता है कि आपको बाल धोना ज़रूरी है, स्मेल आ रही है, गंदे हो गए हैं, तभी आप बाल धो। मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ मेरे एक्सपीरियंस वाइज वो है वाटिका ऑयल। वाटिका ऑयल जो है आपने सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की बॉटल जो है मैं इसे इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। इसकी स्मेल भी कई हद तक अच्छी है, किन किन को इसकी स्मेल पसंद नहीं आती, बट मुझे ये वाटिका जो तेल है वो बहुत ही पसंद आता है। ये आयुर्वेदिक यानी 7 आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ तेल है, जो कि मैंने इतने सालों से कंटिन्यू लगाया हुआ है। तो मैं ये बातों को, मतलब ये जो तेल है बहुत अच्छी तरह से आपको बालों को ना पोषण देता है और आपके बालों की ग्रोथ जो है वो भी बढ़ाता है, क्योंकि इस बात को मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया है। तो इसमें आप देखोगे ना 7 आयुर्वेदिक हर्ब जो है, जो नेचुरल हर्ब्स होते हैं वो हैं। डाबर जो है, डाबर आपको पता ही है कितना पुराना ये ब्रांड है जो इन चीज़ों को बनाता है। तो वाटिका ऑयल जो है ये बहुत ही पुराना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके बाल रूखे सूखे हो गए हैं, और रूखे सूखे होने के कारण आप जब भी कंघी करते हो तो बहुत सारे बाल जो है आपको ज़मीन पर, फर्श पर आपके गिरे हुए दिखाई देंगे, तो आपको क्या करना है, आपके बालों को रूखा सूखा नहीं रखना है। हाँ, कभी कभार आप बाहर जा रहे हो, आप ऑयलिंग करो, हेयर वॉश करो और आप सुखा कर जा सकते हो, बट जब भी आपके एकदम रूखे सूखे हो गए हैं बाल और ऐसे लग रहे हैं जैसे कि झाड़ू की तरह काटे काटे हो जाते हैं, क्योंकि पहले जब मैं बीच में मैंने बंद कर दिया था ऑयलिंग करना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं या किसी जॉब में जाना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम ऑयल लगाना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम बालों को सिर्फ धोते ही जाते हैं, वीकली, वीक में 2 बार ऐसे धोते ही जाते हैं, बट हम ऑयलिंग नहीं करना पसंद करते, क्योंकि हमें एक तो कंटाला आता है कि ऑयल वाले जो बाल है वो कौन धोए, साथ ही साथ सेकेंड चीज़ ये होती है कि हम ऑयल वाले जो बाल है वो बाहर नहीं लेके जा सकते। वाटिका हेयर ऑयल को आप यूज़ करने के बाद आप अपने में चेंजेस देखो विद इन 4 वीक्स 1 मंथ में आप देखोगे कि आपके जो बाल हैं वो जड़ना कम हो गए हैं, ग्रोथ थोड़ी थोड़ी सी होते जा रही है। तो इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस खुद से करोगे। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें ऑलरेडी उन सारे तेल का जो है मिश्रण है, पहले तो है आंवला, आंवला का मिश्रण है इसमें, जो कि
आपको स्ट्रेंथ देता है पूरा रूट्स के साथ आपके हेयर को, साथ ही साथ वो मेंटेन करता है आपकी हेल्थ और नेचुरल थिकनेस को। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ है वो है कपूर कचरी करके, वो आपके बालों को रूट से लेके मतलब एंड तक जो है अच्छे से जो है स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करता है। थर्ड जो है इंग्रेडिएंट्स वो लेमन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें अगर लेमन का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सिर पे जो डैंड्रफ होता है वो डैंड्रफ को वो रोकने में अच्छे से काम आता है। फोर्थ जो है इस्तेमाल हुआ है हरर, जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा है, वो इंग्रेडिएंट जो हमारे हेयर फॉल को कम करता है। पांचवा जो इंग्रेडिएंट है वो है हेना, जो कि वो हमारे जो नेचुरल कलर है उसको बरकरार रखता है। आपने देखा होगा कई कबार लड़कियों के जो बाल होते हैं वो काले से धीरे 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 जो है वो ब्राउनिश होने लगते हैं। धूप में भी आप देखोगे तो कई लड़कियों के बाल जो है वो ब्राउनिश दिखने लगते हैं और उनका जो नेचुरल कलर है वो नेचुरल कलर निकल जाता है बालों का। मगर आप मेरे बालों को देखोगे ना तो एकदम से ब्लैक शाइनी दिखाई देगी आपको, एकदम ब्लैक शाइनी। अभी तक मैंने कोई भी हेयर कलर यूज़ नहीं किया है, किसी भी तरह का मैंने पार्लर जाके सलून जाके हेयर ट्रीटमेंट या कुछ भी नहीं किया है। ये जो है मेरा नेचुरल कलर है बालों का एकदम से ब्लैक, तो इसको मेंटेन करने में हरर जो है इंग्रेडिएंट वो बहुत ही काम आता है, जो कि इसमें वाटिका हेयर ऑयल में मिला हुआ है। सिक्स इंग्रेडिएंट्स है वो है बहेरा, जो कि अलग तरीके का नाम है बट इन सारी चीज़ों को हम ज़्यादा देखे भी नहीं होंगे, बट इसमें ऐसे ऐसे हर्ब्स मिलाए गए हैं जो कि बहेरा नामक जो हर्ब्स है वो क्या करता है आपके बालों की जो हेल्थ है उसकी जो स्किन है ना, जिसको हम स्कैल्प कहते हैं, उसकी जो स्किन है उसको मजबूत करता है, यानी उसकी जो स्टार्टिंग की जो ग्रोथ होने वाली होती है ना उन चीज़ों को मजबूत करता है। सेवन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी नाम आपने कई कबार सुना होगा, ये हर्ब्स का नाम है इन सातों में से एक का, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और ब्राह्मी का जो ऑयल जो है इंग्रेडिएंट जो है मार्केट में कई तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाई देंगे आपको, मगर आपको इन सारी चीज़ों को अलग से अलग ऑयल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज हम लोग को ऑयल मिल जाता है, अनियन ऑयल है, आमला ऑयल है, अलमंड ऑयल है, बट अगर इन सारे हर्ब से भी जो बेटर हर्ब से जो बहुत ही बेनिफिशियल हर्ब से वो वाटिका में ही मिल रहे हैं, तो हमें वाटिका जो है ये ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जो मेरे बाल हैं आप देख रहे हो इसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं की है, ये है वाटिका ऑयल। जिस तरह से हमारी मम्मियां जो हैं बचपन में हमें स्कूल के टाइम पे लगाती थी उसी तरह से मैं लगाने वाली हूँ। ना कोई कॉटन इस्तेमाल करने वाली हूँ, ना ही कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करें, हमें बस इस तरह से इसे रब करना है। आप महसूस करोगे थोड़ा सा हॉट हॉट लगने लगा है, बस आप इस तरह से उंगलियों के सहारे ऐसे, यहाँ पे जो है ऑयल वो तो यहाँ पे लग जाएगा बट उंगलियों के सहारे आप इसको स्कैल्प के अंदर से लगाओगे इस तरह से। ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे भी लगाना है, पूरे फर्स्ट टू एंड तक जड़ तक आपको ऑयलिंग जो है वो करनी है। मैं अपने बालों को दिखा नहीं पा रही हूँ स्क्रीन में क्योंकि हाफ ही दिख रहे होंगे आपको मेरे बाल जो है वो। हमें ज़्यादा ऑयल को घिसना भी नहीं है, बस नॉर्मल से ऐसे ही ऊपर के ऊपर हम अच्छे से इसको ऑयलिंग कर लेंगे। अभी हमें स्कैल्प जहाँ से हमारे बालों को रीग्रोथ मिलती है वहाँ पे स्कैल्प में आपको ऐसे तरह से ऑयल लेना है उंगलियों में और सिर्फ इस तरह से आपको स्कैल्प में लगाना है। तो आपको रात को ऐसे ही करके ऑयलिंग करके सोना है।
और आपको क्या करना है, इस तरह से मसाज कर देना है ताकि जो ऑयल है पूरी तरह से आपके स्कैल्प में है, स्कैल्प में पहुंच सके। तो आपको कुछ इस तरह से हेयर ऑयलिंग करनी है रात को और चोटी बना के सो जाना है, अर्ली मॉर्निंग धो देना है। तो हम ऑयल कितने बार लगा सकते हैं, ये बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो हम ऑयल कभी भी लगा सकते हैं, ऑयल के लिए कोई निर्धारित समय या फिर कोई टाइमिंग नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आपके बाल रूखे सूखे और बेजान हैं और जैसे कि घास की तरह आपको वो जो है चुभ रहे हैं, तो तभी आप ऑयल लगाइए बहुत ही अच्छे से। और एक बात, आप ऑयल जो है हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाइए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि मैंने कई कबार ये सुना है कि आप नहाने से एक घंटे पहले या आधे घंटे पहले आप ऑयल लगा लीजिए, उसके बाद आधे घंटे के बाद आप नहा लीजिए, तो बालों में जो है वो हेयर ऑयल का जो पोर्शन है वो मिल जाएगा। मगर मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कि आधे घंटे में ऐसा कोई पोर्शन नहीं मिलता, मैं सलाह ये आपको दूंगी कि रात को आप ऑयलिंग करके मस्त बैगी चंपी करके आप सो जाइए और अर्ली मॉर्निंग आप उसे धो दीजिए, वॉश कर दीजिए आप आपके हेयर को। अगर रात भर आपका ऑयल जो है आपके बालों में पूरी तरह से जो है पोषण देता रहेगा, क्योंकि लगाने के बाद तुरंत अगर आप धो देते हो तो इसका कोई इस्तेमाल, इसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता। तो मैं यही मेरी ओर से सलाह दूंगी, जो मैं पर्सनली कर रही हूँ वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि मैं रात को ऑयलिंग करके सोती हूँ और मॉर्निंग को उसे वॉश कर देती हूँ। सो आई होप गाइज ये जो वीडियो है आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो बेनिफिशियल रहा है और इन्फॉर्मेटिव रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।